रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की बात ही कुछ अलग है। अगर हमें लगता है कि वी कांट मेक कढ़ाई पनीर और फॉर दैट मैटर एनी डिश एट होम एट द ईज ऑफ आर होम, बट दैट्स नॉट ट्रू। और वही आज हम प्रूव करेंगे कि हम एग्जैक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर अपने घर पे बना सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग क्रश, लेट्स मेक सम अमेजिंग कढ़ाई पनीर, लेट्स गेट स्टार्टेड। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए द इंग्रेडिएंट्स दैट वी वांट इज अगेन जो घर पे होता है नॉर्मल घर का सारा सामान वही यूज होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए हमको। कढ़ाई पनीर में सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट होता है दैट मेक्स द डिश स्टैंड्स आउट इज द कढ़ाई मसाला। तो शुरुआत करते हैं कढ़ाई मसाले से। तो चलिए ले लेंगे हम सबसे पहले तवा, तवे में ले लेंगे एक लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाल देंगे इसमें। फिर ले लेंगे हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर सीड्स, धनिया थोड़ा तो धनिया के साथ थोड़े से ब्लैक पेपर। इस मसाले को करेंगे थोड़ा सा रोस्ट। धुआं आने लगा है मतलब रोस्ट हो चुका है, जलाना नहीं है बस रोस्ट करना है। नाउ विल लेट इट कूल डाउन, इसको साइड रख देंगे। तब तक हमारा जो कढ़ाई पनीर का बेस होगा द ग्रेवी, लेट्स वर्क ऑन द ग्रेवी नाउ। उसके लिए व्हाट विल डू अगेन, ले लेंगे एक पैन। अब पैन में डालेंगे हम तेल, पैन में डाल दिया हमने थोड़ा सा तेल। और तेल के साथ डालेंगे थोड़ा सा बटर, देन विल ऐड तेज पत्ता एंड वन रेड चिली। व्हाट्स नेक्स्ट, हम लेंगे गार्लिक, अप्रॉक्स 2-3 मीडियम साइज गार्लिक्स। तो थोड़ा सा हिलाएंगे, यस। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट इज विल ऐड आवर गार्लिक इनटू द पैन। गार्लिक के बाद डालेंगे थोड़ा सा जिंजर, ठीक है, फाइनली चॉप। देयर यू गो। व्हाट्स नेक्स्ट, देन लेंगे प्याज, हमारा प्यारा अनियन। एंड लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला था कि जस्ट मोटा मोटा चॉप कर दो, इस टाइम ऐसा नहीं है, दिस टाइम हमें फाइनली चॉप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम डाल देंगे और चॉप्ड अनियंस। चलो जी प्याज तो हमने ऐड कर दिया, नाउ विल कुक इट अंटिल इट गेट्स गोल्डन ब्राउन। एज सून एज इट विल गेट गोल्डन ब्राउन हम इसमें ऐड कर देंगे टमेटोज, ओके टमाटर। चलिए हमारे टमेटोज तो चॉप हो गए, नाउ थोड़ा सा कुक हो जाए फिर टमाटर इसमें डाल देंगे। कढ़ाई पनीर का ओरिजिन तो मुझे नहीं पता कहाँ से हुआ और किसने किया, बट यार मैंने थोड़ा सा वेब सर्च किया था तो इट वेंट बैक टू 16th सेंचुरी एंड इट वॉज अगेन ब्रॉट बाई द मुगल इन द नॉर्थ इटसेल्फ, बट जिसने ही बनाया एक नंबर बनाया। चल अब इसमें ऐड कर देंगे हम टमेटोज, ओके
एंड एट दिस मोमेंट हम इसमें डाल देंगे नमक. व्हाई? सॉल्ट हेल्प्स द टमेटोज टू कुक बेटर एंड फास्टर. हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी. Then a teaspoon of jeera, cumin, then drops 1.5 teaspoon of dhaniya powder. Mix it well like this. एंड देन इसको कर देंगे कवर और इसकी फ्लेम कर देंगे हम कम, एकदम सिम नहीं, सिम से थोड़ा ज्यादा और मीडियम से थोड़ा कम. ठीक है, विल लेट इट कुक अगेन. अब इसको अपनी मर्जी से कुक होने देते. बाय द टाइम इट गेट्स कुक लेट्स गेट ऑन विद आवर कढ़ाई मसाला. इसको हमें क्या करना है, we have to take ये मसाला पीसने वाला, I don't know what you call it. Get one this. ठीक है. Put a bit of this roasted seeds in it. And then फूटो. Remember one thing, इसको एकदम आपको powderish नहीं करना है, थोड़ा सा इसको ना like साबुत रहने देना. That gives a crunch while you are mixing it onto the paneer and it gives a very tasty crunch into the dish. So isko pura fine powderish nahi karna hai, bas itna, just like this. That's all, you good to go. While it is getting cooked, just a bit of a stirrer onto it. Just to check whether it is getting cooked properly or not, and yes, it is getting cooked properly. And at this moment, we'll add a bit of chini. Just a pinch of chini. Again, chini ki ek story hai. Chutki bhar chini. Maine chini kyun dali? Chini maine isliye dali kyunki ye sara bahut zyada saar hai. This whole dish is a bit saar. Theek hai? Salty and saar. Kyunki tomatoes hai isme. और सॉल्ट, ऑब्वियसली सॉल्ट है. जस्ट टू बैलेंस दैट टेस्ट आउट हमने थोड़ी सी पिंच ऑफ शुगर वी हैव ऐड ऑन टू इट. एंड एज मेनी ऑफ माय सब्सक्राइबर्स एज वेल एज द व्यूअर्स हैव एंड क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स टू, दे हैव आस्क्ड मी लास्ट टाइम तूने बोला था चीनी क्यों डाली, अब चीनी डाल के तूने बताया नहीं पूरे एपिसोड में. वॉज दैट अ क्लिकबेट काइंड ऑफ अ थिंग? But no, that wasn't any clickbait kind of a thing or any marketing thing as you were telling me. The viewers who told me this are relating me to that. But no, aisa kuch bhi nahi tha. Main edit karta tha. That was the first time I was editing two footages like simultaneously from this camera as well as from this camera as well. So, wo part mera miss out ho. And chini, ab main bata deta hun. चीनी मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि इट गिव्स अ बिट ऑफ, जो मैंने चिकन में डाली थी द लास्ट टाइम. एंड इफ यू हैव नॉट येट वॉच्ड माय लास्ट व्लॉग, इट्स अबाउट द होममेड डिलीशियस चिकन. गो प्लीज गो वॉच इट, द लिंक शुड बी पॉपिंग अप इन द आई बटन. एंड चीनी मैंने इसलिए डाली थी कि चीनी ने थोड़ा सा उसको एक डार्कर शेड दिया था. एंड दैट्स इट. मैं कोई क्लिकबेट नहीं किया था, आई स्वेयर. और अब बारी आती है पनीर को टॉस करने की, और उसके लिए हमें चाहिए one barely chopped onion. ठीक है, that's it. And now what? Nothing. तो इसको अपनी हाथों से ही ऐसे खोल खोल के रख. चलिए, ये प्याज तो रेडी है. Again, a stir.
अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, इसको कर देंगे मिक्स। चलिए जब तक ये कुक होता है आप लोगों के लिए एक टास्क है, क्विक टास्क। वीडियो करिए मिनिमाइज, पॉज मत करिए, जस्ट मिनिमाइज करिए, और अगर सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा के देखिए, ग्रे हो जाएगा। डू इट फास्टर एंड या नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर देना सो दैट यू गेट नोटिफाइड ईच टाइम वी अपलोड अ न्यू व्लॉग। चलिए आपने अगर अभी कर दिया है तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को हम चॉप कर लेते हैं, दैट इज आवर कैप्सिकम। ऑल्सो यू कैन एड अ बिट ऑफ बेल पेपर्स, वो बहुत अच्छा एक कलर देता है डिश को। मुझे अच्छे बेल पेपर्स आज मिले नहीं, फ्रेश बेल पेपर्स मिले नहीं, तो इसलिए मैं लाया नहीं, बट एज सच कोई टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस दिखने के लिए है, एस्थेटिकली वो अच्छा लगेगा, दैट्स इट। एज अ टेस्ट में एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स द सेम थिंग, डालो तो भी सही, नहीं डालो तो भी सही, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा चॉप, अब क्या करेंगे, यस इट लुक्स गुड एंड इट स्मेल्स गुड टू। अब हम करेंगे दूसरे गैस को ऑन और इसको शिफ्ट कर देंगे यहां पे, और यहां पे शिफ्ट करेंगे अपना पैन, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसमें अब हम ऐड कर देंगे अपने प्याज, देन कैप्सिकम्स। बस हो गया, और दोष करना नहीं है, नहीं पनीर मेन इंग्रेडिएंट, पनीर भूल गए थे। चलो अब आती है पनीर की बारी, ऐड कर दिया हमने इसमें पनीर, और अब आती है बारी कढ़ाई मसाले की, देख लो यहाँ पे, अब आती है बारी कढ़ाई मसाले की। इस पर कोई कंजूसी नहीं करनी, ये डालना अच्छे से, ये जो स्वाद है वो इसी का। थोड़ा सा फ्राई हो जाए बस, ये जल्दी गुप्त को। चलिए वी आर डन, चलिए अब आती है बारी इन दोनों को मिलाने की। स्टार्ट कर देंगे इसको, इसको मिला लेंगे अच्छे से, ध्यान से मिलाना है कि पनीर टूट ना जाए, आराम से। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसमें डालेंगे हम थोड़े से जस्ट बिट ऑफ चॉप्ड कोरिएंडर, धनिया, फ्रेश कोरिएंडर, गैस को कर देंगे एकदम सिम, करेंगे कवर, और बाय द क्लॉक 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
वहाँ पे देख bit of taste check. Amazing. Lajawab. Done. Gas is at the off. Aaiye plate karte hain. And here you go. Just like your restaurant, your favorite restaurant style kadai paneer at your home. At the ease of your home. And again, you know, when you make food at your home, it's hygienic, it's healthy, and it's safe to eat. Please do try this yourself and let us know how did you like it. And just to encourage cooking, what I have decided is, whenever you cook something and if you upload it on Instagram and tag us on your post, we will repost you and showcase your dish onto our Instagram account. Please do cook, please do share, and please do tag us. And also, if you're not yet following us on Instagram, here's the link. Please do follow us on Instagram too. And if you're not yet subscribed, please do subscribe to our channel. It really encourages us creators. Aaj ke liye bas itna hi rakhte hain. Eat good, stay safe, and stay healthy. Thank you.